तो जी दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पे भी इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा तो आप किन स्टेप्स को फॉलो करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ALGE इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आप देख रहे हैं ALGE इलेक्ट्रिक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक सैमसंग का मोबाइल है जिसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। यार दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अगर पूरी मालूमात हासिल करनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो अब इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आपने कौन से रूल्स को फॉलो करना है और अपने इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये करना बहुत ही आसान है। तो जी दोस्तों, अभी हम सबसे पहले इसका जो वाईफाई है उसको ओपन करेंगे। जैसे ही हमने वाईफाई को ओपन किया है तो पहले से हमारे मोबाइल में ये वाईफाई कनेक्ट है। देखिए दोस्तों, अभी हमारा वाईफाई ऑन हो चुका है। अभी हम आपको चेक कराएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, पहले हम गूगल क्रोम या यूट्यूब चला के चेक करवाएंगे आपको। जैसे हमने यूट्यूब को ओपन किया है तो जी दोस्तों, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि यू आर ऑफलाइन। जैसे कि आपने देखा है कि हमने सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट किया था, तो उसके बावजूद भी दोस्तों हमारा मोबाइल में यहाँ दिखा रहा है कि ऑफलाइन है। तो दोस्तों, जब ऐसा मसला आता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि हमारे मोबाइल का मे बी सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया या उसमें कुछ और मसला है। तो आप शॉप पे लेके जाते हो तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे भी लेता है और कहता है कि इसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो चुका है, नया सॉफ्टवेयर डालेगा वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम स्टेप बाई स्टेप आपको बताएंगे कि इसमें किन किन रूल्स को फॉलो करके आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जी प्यारे दोस्तों, अभी सबसे पहले हम इसके जो मेन मेन्यू में जाएंगे, मोबाइल का मेन मेन्यू को ओपन करेंगे और मेन मेन्यू में जाने के बाद तो सेटिंग में जाएंगे। तो जी प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम सेटिंग को ओपन करते हैं तो सेटिंग को ओपन करने के बाद हमको किन रूल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले डेट एंड टाइम को सेट करना है। तो जी दोस्तों, यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक जो डेट एंड टाइम को उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ऑटोमेटिक टाइम जोन, इसको आपने राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने का ये फ़ायदा आपको ये होगा, जब आप किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवलिंग करेंगे तो वहाँ का जो नेटवर्क होगा वो उसको मोबाइल ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करेगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम आपको चेक करवाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि या नहीं। तो अभी हम यूट्यूब को ओपन करेंगे। तो जी प्यारे दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पहले जो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही थी ऑफलाइन, देखिए आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, अभी वो सॉल्व हो चुकी है। अभी हम आपको इसका प्ले स्टोर को ओपन करके दिखाएंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जी दोस्तों, देखिए अभी हमारा प्ले स्टोर भी ओपन हो चुका है। और अभी हम गूगल क्रोम में जाएंगे, गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हमारा गूगल क्रोम भी ओपन हो चुका है। तो जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारी तमाम मालूमती वीडियो आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जी दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिए। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है वो सब्सक्राइब करने का तरीका भी हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अभी आप ALGE इलेक्ट्रिक के प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं। तो हमारी तमाम वीडियो को वॉच कीजिएगा और कमेंट्स में मिलाकर आज के लिए इतना काफ़ी है।